So a very good morning from Gangotri. Yesterday, जब we reached at Gangotri GMBN, तो it was around 7:30 in the evening. And हम लोगों का रहने का बंदोबस्त हुआ है ये GMBN गंगोत्री में, जो कि सूरज कुंड के एकदम नज़दीक है. आज का प्लान बहुत सिंपल है. आज होने वाला है ट्रैवलिंग टुवर्ड्स हरिद्वार. प्लान है कि जाते टाइम थोड़ा गंगोत्री टेम्पल होके जाएंगे. वैसे भी हम लोग कल गंगोत्री टेम्पल पे रात को गए थे और आरती देखा और लाइन देखा, अंदर भी गए, तो वो वाला फुटेज पहले देख लो. तो गंगोत्री टेम्पल के आजू बाजू हम लोग खाने का दुकान ढूंढ रहे थे, तो हम लोग को मिला ये होटल गंगापुत्र. तो ये हम लोग का पहला डिश चना मसाला, उधर पनीर पराठा और इधर है कढ़ाई पनीर. ये 8 तवा रोटी आ गया बाकी 4 लोगों के लिए. तो ये आ गया हम लोग का लास्ट आइटम पनीर भुर्जी. तो डिनर के बाद हम लोग अभी खा रहे हैं थोड़ा बहुत मिठाई, और मिठाई में जलेबी हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी है, एकदम गर्मा गर्म बन रहा है. 300 रुपये किलो. तो कैसा लगा रात का फुटेज? अभी हम लोग जा रहे हैं टैक्सी स्टैंड की तरफ, क्योंकि गाड़ी बुक करना है और मंदिर में भी जाएंगे. वो भी फुटेज आप लोगों को मैं दिखाता हूँ. तो हम लोग अभी पूजा देने जा रहे हैं. ये है 101 का थाली, इसमें नारियल है, प्रसाद है, नकुलदाना है, सब कुछ है, सिंदूर भी है. सो इफ योर मॉर्निंग स्टार्ट्स बाय ऑफरिंग पूजा एट गंगोत्री टेम्पल, देन व्हाट एल्स कैन वी आस्क फॉर. तो अभी हम लोग है एकदम गंगोत्री टेम्पल के सामने. ये डेडिकेटेड टू गॉडेस गंगा. यहाँ का नाम तो भागीरथी है. देव प्रयाग में अलकानंद के साथ मिलन होने के बाद इसका नाम होता है गंगा. अभी तो भीड़ बहुत ही कम है, पता नहीं क्यों, ये अक्टूबर का महीना चल रहा है. तो गंगोत्री धाम में एंटर करने से पहले यहाँ पे चेकिंग हो रहा है. तो यहाँ पे 2 स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पे चेक हो रहा है लाइक ई पास, कोविड सर्टिफिकेट जो भी है वगैरह. तो आप याद रखो कि घुसने से पहले यहाँ पे आप लोगों को गाड़ी छोड़ना है और यहाँ पे आप लोगों को ये एंट्री करवाना है. तो ये दोनों स्टॉल पे डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, नाम एंट्री, थर्मल स्क्रीनिंग सब कुछ हो रहा है और ID भी चेक कर रहे हैं ये लोग. हरिद्वार डायरेक्ट जाने के लिए गाड़ी नहीं मिल रहा है फ्रॉम गंगोत्री, तो बोल रहे हैं कि यहाँ से आपको उत्तरकाशी के लिए गाड़ी लेना पड़ेगा, फिर उत्तरकाशी से आपको फिर से ब्रेक जर्नी करके हरिद्वार जाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट गाड़ी नहीं जाता. तो हम लोग का अभी जैसे जैसे करके एक गाड़ी का जुगाड़ हुआ टिल उत्तरकाशी. तो ठीक है ना, से What is wrong? What is my problem? Why can't I get out of this world that I created? Fighting the storms in my head. Don't know where I have been. I'm alone. No one to turn to. No one understands. Shit's too complicated. Away, and I feel like I am someone else. Away, and I feel like I don't know. हम लोग गंगोत्री से टुवर्ड्स हरिद्वार की तरफ जा रहे हैं. हर्षिल में वेट कर रहे हैं क्योंकि एक भैया को बोल के रखा है वो बगौड़ी विलेज से हम लोगों के लिए एप्पल और नाशपाती लेके आएगा, वो भी स्कूटी में. तो उसके लिए थोड़ा बहुत वेट कर रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुके हैं. वो भी अपने पेड़ इधर से ही आएगा, पेड़ से तोड़ के एकदम. और ये है हर्षिल का चेक पोस्ट. इधर से आप डाइवर्शन लेके नीचे जाओगे टुवर्ड्स हर्षिल, और उधर से सीधा है गंगोत्री, और इधर सीधा जाएगा हम लोग हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ. तो हर्षिल गेट के एकदम सामने ऐसे खुले में है एप्पल फॉर सेल. यहाँ पे है ग्रीन एप्पल है, रेड एप्पल है. भैया कितने करके एप्पल? 50 रुपये केजी. चलो, ये खट्टा होगा क्या ग्रीन एप्पल? नहीं नहीं, खट्टा मीठा. भैया ये ग्रीन और रेड में डिफरेंट क्या है? खाने जाएंगे, अलग अलग टेस्ट है दोनों का. तो आप अगर हर्षिल को साइड में करके अगर क्रॉस कर रहे हो तो आप इधर से भी एप्पल लेके गाड़ी में जा सकते हो, बहुत टेस्टी है. तो तेंजिंग भैया आ गए हम लोग के लिए एप्पल और नाशपाती लेके. ये माल लोड हो गया यहाँ पे, अब ये जाएगा सीधा कलकत्ता. फिर से मिलेगा, आपका नंबर दे दूंगा, कोई एप्पल लेना चाहे तो हर्षिल में आप सप्लाई दे दोगे. थैंक यू. चलो, अभी तक पूरा ट्रिप सब कुछ सही से चला. अभी उत्तरकाशी जाते टाइम हम लोगों का गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गया, गाड़ी का फ्यूज टूट चुका है और हम लोग यहाँ पे बैठ के ऊपर पहाड़ों का व्यू देख रहे हैं और ये गाड़ियों को थोड़ा बहुत साइड दे रहे. I don't wanna keep on wasting love.
drowning my head, I'm losing my mind. And if you could love. तो हम लोग अभी खेदी वाटरफॉल्स के सामने खड़े हैं, आप देख सकते हो कितना तेज फ्लो हो रहा है यहाँ पे, और इधर रेनबो भी आप लोगों को दिखेगा, और यहाँ पे पानी बहुत छिटक के आ रहा है इधर। तो यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि पानी बहुत ज़ोर से छिटक के इधर आ रहा है। ठीक है, ज़्यादा देर यहाँ पे मैं हम लोग नहीं रुकेंगे, आगे बढ़ेंगे। इधर थोड़ा रेनबो फॉर्मेशन भी हुआ है, बहुत अच्छा दिख रहा है व्यू, ये सनलाइट की वजह से रिफ्लेक्ट। सो जस्ट रीच दैट उत्तरकाशी टैक्सी स्टैंड, यहाँ से हम लोगों का एक और गाड़ी लेके जाएगा टुवर्ड्स हरिद्वार। डायरेक्ट आपको गाड़ी नहीं मिलेगा क्योंकि आते टाइम वो खाली जाता है, तो आपको बेसिकली उत्तरकाशी में आना ही पड़ेगा यहाँ से गाड़ी चेंज करने के लिए। तो ये है बेसिकली उत्तरकाशी स्टैंड, जो गाड़ी हम लोग को हरिद्वार लेके जाएगा वो भी स्टैंड पे पहुँच गया है। तो अभी एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी में सारे सामान लोडिंग अनलोडिंग चल रहा है। आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ, अगर आप लोग उत्तरकाशी से टुवर्ड्स हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ जा रहे हो और आप नॉन वेज लवर हो तो ये धरासू चेक पोस्ट पर आप रुक सकते हो और यहाँ पे खाना एंजॉय कर सकते हो। बहुत सारा दुकान है, बट हम लोगों को ये चंद्रलोक होटल का खाना बहुत अच्छा लगा, बहुत रिजनेबल प्राइस पे। यहाँ पे फ्रेश चिकन और ये नदी का मछली और ये फिश फ्राई सब कुछ मिलेगा बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे। तो ये है धरासू चेक पोस्ट, इसके सामने ये दुकान है। यहाँ होटल का नाम क्या है? चंद्रलोक। अच्छा, फोन नंबर भी दिया हुआ है। फोन नंबर So with heavy heart, today is our last day of our trip and थोड़ा मूड ख़राब है क्योंकि लास्ट डे है ऑब्वियसली, एंड बट हरिद्वार के सड़कों और गलियों में जब भी आता हूँ तो लाइक दिल खुश हो जाता है बिकॉज लगता है कि ये जगह बहुत ही दिल के नज़दीक है। एंड एज़ यूजुअल जब हम लोग हरिद्वार में पहुँचे तो ये गुरु जी के रामनिवास आश्रम में रुके, बहुत ही अच्छा वाला रूम और एकदम रिजनेबल प्राइस पे है। दिस इज़ माई थर्ड टाइम दैट आई एम स्टेइंग हेयर। तो हम लोग अभी खाएंगे बर्फी, हरिद्वार का स्पेशल बर्फी। तो बर्फी खाने के बाद अभी हम लोग खा रहे हैं खीर। तो मिल्क प्रोडक्ट खाने के बाद हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स आदि दादा बोधी का होटल, जहाँ पे बंगाली खाना मिलेगा। बट द सेम टाइम आज पता नहीं क्यों हरिद्वार में बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब इतना भीड़ मैंने लास्ट 2-3 महीने नहीं देखा जब आया था मैं। तो अभी हम लोग है पुराना दादा बोधी का रेस्टोरेंट, यहाँ पे हम लोग थोड़ा दोपहर का लंच भी कर लेंगे। अभी बंगाली खाना खा रहे, राइस सब्जी बैंगन और हम लोग का पनीर सब आ रहा है। हरिद्वार आ रहे हो और आप अगर आपको देखे कि लाइक एक ही नाम का बहुत सारा दुकान, तो कंफ्यूज मत होना, ऑलमोस्ट सब एक जैसा ही है बट एक ही नाम पे सब चलता है। यहाँ पे चोटी वाला का रेस्टोरेंट 4-5 नाम देखा, सेम नाम बट अलग अलग लोग चलाता है, जैसे वैसे ही ये दादा बोधी होटल सब सेम नाम से चलाता है मार्केट। सच बताओ तो इस बार हड़की दून की घाटों में कुछ खास मज़ा नहीं आया, बहुत भीड़ भी बहुत था और उसी के लिए खाना वाना इतना एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं मिला बिकॉज हम लोग को दिल्ली के लिए निकलना भी है। हम लोग जो पहले दिन यहाँ पे हरिद्वार के घाटों में सुबह का जो आरती देखा वो आप लोग एंजॉय करो। सो राइट नाउ इट्स मॉर्निंग अराउंड 5:45 एंड वी जस्ट रीच हरिद्वार। मैं अभी हरिद्वार का हड़की पौड़ी घाट पे खड़ा हूँ, चलो फिर आरती की तरफ। तो अभी ऑलरेडी आरती चालू है, आप देख सकते हो कि घाट के दोनों तरफ बहुत लोग समागम हुआ है, यहाँ पे भीड़ देखो ऊपर, और ब्रिज पे भी बहुत लोग खड़े हैं। इट्स अराउंड मॉर्निंग 6:25 और आरती के साथ हम लोग सनराइज भी देख लिया, तो वी आर काइंड ऑफ फॉर्चुनेट इनफ वहाँ पे सनराइज हो रहा है।
अभी वहां से सनराइज हुआ, ये पूरा घाट विजिबल है, पूरा घाट का 360 डिग्री व्यू विजिबल है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम चेन दिखा था, बट वो ब्रिज से भी नीचे चेन अभी दिख रहा है मेरे को। चलो फिर तो एज ऑफ नाउ बाय बाय हरिद्वार, इट्स टाइम टू गो टुवर्ड्स हर्षिल, क्योंकि आगे और 5-6 घंटे का जर्नी है। With that said, it's time to sign off from Haridwar and also to conclude the entire Harshil to Tapovan series. Needless to say, this entire trek journey gave us so many beautiful memories to cherish for lifetime. Also, do let me know your valuable opinions in the comment box below. And if you are new to the channel, then do subscribe my channel The Pong Wayfarer to get notified about our upcoming travel vlogs. Besides, you can DM your queries as well on my Instagram account as IamRoy92. Till then, goodbye, take care, see you soon with yet another exciting episode.